राजस्थान के अलवर में दलित महिला का उसके पति के सामने गैंगरेप के मामले में गहलोत सरकार बुरी तरह गिर गई। जयपुर में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अलवर में भी सरकार का विरोध हुआ। आरोप है कि चुनाव सरकार ने चुनाव की वजह से मामले को कई दिन दबाए रखा, जिसके विरोध में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ जयपुर की सड़कों पर उतर आए। सीएम आवास का घेराव करने के लिए लंबा मार्च निकाला गया। लोग गैंगरेप मामले में आरोपियों को फांसी देने के नारे लगा रहे थे। मार्च में गहलोत सरकार के खिलाफ पोस्टर भी लहराए गए। लोगों ने सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगाते हुए उसकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि सख्त कार्रवाई की जाए, सभी आरोपी उनको अरेस्ट किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने गैंगरेप मामले में आरोपियों का एक पुतला भी लटकाया हुआ था, जिसे वो सीएम आवास के बाहर जलाना चाहते थे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने अलवर गैंगरेप मामले को सरकार की नाकामी का नतीजा बताया और उस पर जमकर हमला बोला। जब से इस सरकार ने तबादला उद्योग खोला है, बड़े सोपावे इस आधार पर थानों के अंदर एसपी और आईजी तैनात होने लग गए हैं, उसका परिणाम इसी प्रकार का निकलना है। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने गैंगरेप मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए सीएम से उनका इस्तीफा ही मांग लिया। राजनीतिक फायदा लेने की दृष्टि से प्रकरण को दबाया गया, इसलिए गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए। जयपुर की सड़कों पर अलवर गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर हंगामा हुआ। और गैंगरेप मामले में ठोस कार्रवाई के लिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मामला उठने के 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मामले को दबाने पर सरकार बीजेपी के निशाने पर रही, जिसने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। सीएम आवास का घेराव करने से रोकने पर बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से ही भिड़ गए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस वालों को खूब पसीना बहाना पड़ा। धक्का मुक्की हुई और कई लोग तो पुलिस वालों से बदसलूकी भी करते नजर आए, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो पुलिस के बनाए घेरे को नहीं तोड़ पाए। इनको आगे रोकने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचा जाए। घेराव की चेतावनी दे रखी है मुख्यमंत्री आवास के। राजस्थान के कई शहरों में अलवर गैंगरेप मामले पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। जयपुर में ही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई। अलवर में भी घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार की तरफ से मामले में लीपापोती करने वाले पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन बीजेपी ने सरकार पर गैंगरेप मामले में लोगों को गुमराह करने का इल्जाम मढ़ दिया। उसने सभी 5 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। जो दोषी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कानून के अनुसार तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। गैंगरेप मामले पर गहराई सियासत के बीच पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। इनमें जिसका चेहरा कपड़े से ढका था वो गैंगरेप का मुख्य आरोपी बताया गया। पुलिस ने मामले में फरार 2 और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। 3 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं और बाकी की गिरफ्तारियों के लिए हमने करीब 14 टीम बना रखी है। आरोप है कि अलवर में दलित महिला का उसके पति के सामने 5 लोगों ने गैंगरेप करने के बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। ये घटना राजस्थान में वोटिंग से पहले हुई थी, पर मामला वोटिंग के बाद लोगों की निगाह में आया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पीएम की तुलना औरंगजेब से करने वाले बयान पर घमासान मच गया। संजय निरुपम वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का समर्थन करने वहां पहुंचे थे और वहां कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिरों को तोड़वाने का आरोप लगाते हुए पीएम पर हमला बोला। यहां के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। निरुपम के इस बयान का कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी समर्थन किया। जो उन्होंने कॉरिडोर बनाने की बात की थी उसके अंदर न जाने कितने मंदिर रास्ते में आए और उसको तोड़ दिया गया, उसका हवाला अगर वो दे रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने निरुपम के बयान को कांग्रेस की हताशा करार दिया। जितना भी इनका ये गाली गैंग का जंतर मंतर है ये छू मंतर हो जाएगा। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे 3 सवाल किए। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन 3 प्रश्नों के जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। नंबर 1, दिल्ली के अंदर आपने सीलिंग क्यों करवाई? नंबर 2, मोदी जी ने 5 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाया? और नंबर 3, मोदी जी के पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं? इमरान खान मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार के वैशाली में एक इलाके में भीषण आग लग गई। दावा किया गया कि आग की चपेट में आने से करीब 40 मकान जलकर राख हो गए और इस घटना में लाखों का नुकसान भी हो गया।
दावा है कि आग की चपेट में उस इलाके के करीब 40 मकान आ गए और उनमें आग की तेज लपटें उठने लगी। आग रात के वक्त लगी, जिसकी वजह से अंधेरे में लोगों को आग बुझाने की कोशिश में परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि आग लगने की सूचना दिए जाने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिससे उनका ज्यादा नुकसान हो गया। एक घंटा हो गया आग लगा हुआ, फोन हुआ है। लोग रेत और मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार पैसों की ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए आयोग उनके चुनाव खर्च पर पैनी नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने प्रचार में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी जरूरी चीजों की एक लिस्ट बनाकर उनकी कीमत तय कर दी। इस लिस्ट में माचिस, टूथब्रश और साबुन जैसी चीजों की कीमत भी चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई है। चुनाव आयोग ने एक मोमबत्ती के लिए 10 रुपए और मिनरल वाटर के एक बोतल के लिए 15 रुपए कीमत तय की है। वहीं एक छोटी कार को किराए पर लेने के लिए 500 रुपए रोजाना और एक एसी कमरे का एक दिन का किराया 1300 रुपए रखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते भी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जितना विकास कार्य विगत 2-3 वर्षों के अंदर गोरखपुर में हुआ है, 50 वर्षों में इतना कार्य नहीं हुआ होगा, आप इस बात को नोट करते हैं। केरल सरकार ने फानी तूफान से प्रभावित ओडिशा के लोगों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट मामले की जांच में देरी पर सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया, जिसके बाद अब 20 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश आगरा में खेत में मवेशियों के घुस जाने की पर शुरू हुए विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि मवेशियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया, जिस पर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि दोनों गुट के कुछ लोग बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदमी गुस्से में दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने दूसरे गुट के एक आदमी को लात मार दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए और दोनों गुट के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इस बीच वहां एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन वो नाकाम रही। मारपीट से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के दरभंगा में एक लड़की की हत्या के बाद कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने मोहल्ले के ही दो लड़कों पर हत्या का इल्जाम लगाया और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क किनारे बनी दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस कर्मियों के सामने ही लोग दुकानों में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों ने दुकानों से सामान निकालकर बीच सड़क पर रखा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हत्यारा को पकड़ा जाए और उसको उचित मुआवजा मिले। लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने भी आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। जो जो इसमें घटना में शामिल है उन लोगों का नाम पता चल गया, उनके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के अम्बाला में एक सभा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए दुर्योधन वाले बयान पर विवाद और बढ़ गया। प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और बयान के पीछे कांग्रेस की बौखलाहट को वजह बताया। इनके जो अहंकार और अकड़ है, उसकी रस्सी जो है वो जल गई है, बल नहीं गया, वो बल भी चला जाएगा। तो वही बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी दुर्योधन वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा। लोकतंत्र ईवीएम के बटन से तय करेगा कि कौन अर्जुन है और कौन दुर्योधन। कांग्रेस पर हमला बढ़ता देख आरजेडी ने प्रियंका गांधी का बचाव किया। जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र को ही कमजोर करने वाला और लोकतंत्र पर ही खतरा है। चीन में एक परिवार एक बच्चे की पॉलिसी वहां के लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस पॉलिसी की वजह से चीन में लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर बढ़ता जा रहा है। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की संख्या कम होने की वजह से चीन में आर्थिक रूप से कमजोर लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। यही वजह है कि चीन के कई लड़के शादी के लिए पाकिस्तान जाकर लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। बताया गया कि पिछले 2 साल में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों की शादी चीनी लड़कों से हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे CPEC प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कई चीनी लड़के इस वक्त पाकिस्तान में हैं और दावा किया जा रहा है कि उनमें कई लड़के तो पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करके वहीं रह रहे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और इस दौरान वो पीएम पर विवादास्पद बयान दे बैठे।
सबका जलाद है जलाद। जब जज के पत्रकार के मरवा देता है रातें रात उठवा लेता है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने बीजेपी के सहयोगी जेडीयू पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। प्रधानमंत्री उस तरह का भाषा का अपना रहे हैं, वो तो नाला के कीड़ा है सब, जदयू वाला बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सब। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात को भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान रनवे को पार करते हुए मिट्टी में जाकर धंस गया। बताया गया कि ये विमान मुंबई से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहा था, तभी विमान तय दूरी को पार करते हुए आगे बढ़ गया और उसके पहिए मिट्टी में जाकर धंस गए। विमान के रनवे से फिसलकर मिट्टी में धंसने की जानकारी मिलने पर वायुसेना के अफसर और बाघ की टीम वहां पहुंची और विमान को मिट्टी से निकालने की कोशिश की और हादसे की जांच में जुट गई। कि जो विमान है वो अब मिट्टी के दलदल में फंस चुका है। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत या किसी के इंजर्ड होने की कोई जानकारी नहीं है। यह हादसा एयरपोर्ट के मेन रनवे पर हुआ, जिसकी वजह से दूसरे विमानों की आवाजाही उस रनवे से रोक दी गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोटें नहीं आई। इंग्लैंड के एक इलाके में कार को हवा में उछालने की प्रतियोगिता कराई गई और इस खतरनाक खेल में 10 ड्राइवरों ने हिस्सा लिया, जिन्हें टूट फूट चुकी 10 कारों के ऊपर से अपनी गाड़ी में हवा में उछालनी थी। लेकिन इस दौरान एक कार तो बीच में ही अपने अगले हिस्से के बल गिर गई। कार के पलटते ही बचाव दल के सदस्य वहां पहुंच गए, जिन्होंने बाद में ड्राइवर को बाहर निकाला। इस खतरनाक खेल को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। इस दौरान एक कार फिर से तेज रफ्तार में आई और बीच में ही पलट गई। कार बुरी तरह टूट फूट गई, लेकिन इसके ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। थोड़ी देर बाद एक गुलाबी कार तेज रफ्तार में आई और उछलते हुए उसने सभी 10 कारों को आसानी से पार कर लिया। गुलाबी कार को चला रहे ड्राइवर ने साल की प्रतियोगिता जीत ली। गुजरात के सूरत में भजन के कार्यक्रम में जमकर नोटों की बारिश हुई। शादी समारोह के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद सेना के जवानों की मदद करना था और इसीलिए कार्यक्रम में जमकर नोट बरसे। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन ने भी भजन गायिका पर नोटों की बारिश की। नोटों की एक गड्डी खत्म होते ही ये जोड़ा दूसरी गड्डी से नोट उड़ाने लगता और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जो भी पैसे हुए इसमें इकट्ठे, उसका सारा फंड मैं अपने आर्मी के जवानों के लिए लेना चाहता हूँ। बात देश के शहीदों की थी, लिहाजा कार्यक्रम में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी ने इस नेक काम में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। शहीदों की याद में कुछ लोगों की आंखें भी नम हो गई। इस कार्यक्रम में लोगों ने इतने नोट उड़ाए कि भजन गायिका के चारों तरफ नोटों का अंबार लग गया और सेना के जवानों की मदद के लिए लाखों रुपए इकट्ठा हो गए। पीएम और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ दाखिल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। हरियाणा के झज्जर में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद उनकी बेटी को इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर दिए जाने पर CBSE के तरीकों पर सवाल उठाए। ITBP के जवानों का बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी के किनारे मुश्किल हालात में सफाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हॉकी इंडिया ने ओडिशा में फानी तूफान की वजह से FIH हॉकी सीरीज फाइनल्स टलने की अटकलों को खारिज कर दिया और साफ किया कि ये 6 से 15 जून के बीच भुवनेश्वर में ही आयोजित होगा। शाहिद आफरीदी ने अपनी आत्मकथा में साफ कर दिया कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां क्रिकेट खेलें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दुकान से सामान लेने के मामूली विवाद से इस झगड़े की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुट के लड़कों ने दूसरे गुट पर डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान करीब दर्जन भर लड़कों ने एक लड़के को घेर कर उसे बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट में नीली शर्ट वाला एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी हमलावरों ने डंडे से उसकी पिटाई जारी रखी। ये घटना शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिसकी वजह से मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच पिट रहे लड़के के कुछ साथी भी वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते दोनों गुटों में खूब मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी मारपीट को रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं इस झगड़े में घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।